के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। सहजनवा थाना क्षेत्र में हुए पति पत्नी के दोहरे हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। एसएसपी ने बताया रुपयों के लेन देन में तांत्रिक ने की थी दंपत्ति की हत्या। दो आरोपी गिरफ्तार। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक। डीएम ने सभी बूथों का स्थलीय निरीक्षण करके कमियों को दूर करने के दिए निर्देश। पुष्प अर्पित कर सपा ने मनाई लोक बंधु राज नारायण और काशीराम की जयंती। कहा उनके बताए रास्ते पर चलना ही सच्ची श्रद्धांजलि। लोकसभा चुनाव के दौरान किसी भी आयोजन उपयोग के लिए अनुमति प्राप्त करने के लिए जनपद स्तर पर कलेक्ट्रेट स्थित ई डिस्ट्रिक्ट भवन में तथा विधानसभा वार्ड तहसील मुख्यालय पर स्थापित हुआ एकल खिड़की। डीएम आरओ ने नियुक्त किया प्रभारी। अवैध तरीके से चल रहे ऑटो स्टैंड के खिलाफ एसपीसीटी हुए सख्त। स्टैंड माफियाओं को दबोचने के लिए शुरू की पूछताछ। 12वें विश्व निद्रा दिवस के उपलक्ष्य में किया गया जांच शिविर का आयोजन। वरिष्ठ एमडी चेस्ट डॉक्टर नदीम अरशद ने बताया स्लीप नींद एवं स्लीप डिसऑर्डर का प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर कितना है घातक। पूर्वोत्तर रेलवे के प्रमुख मुख्य परिचालन प्रबंधक ए के सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई विभागीय राजभाषा की समीक्षा बैठक। अब SBI आपकी कमाई को रखेगा सुरक्षित। साइबर क्राइम के जरिए नहीं गायब होंगी आपकी मेहनत की कमाई। SBI का योनो ऐप दिलाएगा साइबर क्राइम से निजात। और नगर आयुक्त ने किया नगर निगम परिसर में बने लाइट एंड साउंड फाउंटेन का निरीक्षण। कहा महानगर वासियों के लिए है अच्छी जगह।